सोशल मीडिया के कई वायरल वीडियो पुलिस प्रशासन की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि रायबरेली जिले के गुंडागर्दी अपनी चरम सीमा पर है। रायबरेली जिले के कुछ दबंगों को न कानून का डर है और न ही न्यायालय की जरूरत। कुछ लोग कानून हाथ में लेकर खुद ही फैसला कर लेते हैं। अभी जल्द ही जिले के डी थाना क्षेत्र के भरतगंज बाजार का मामला सामने आया था, जिसमें कुछ दबंग युवक एक पत्रकार को पुरानी रंजिश के चलते कानून हाथ में लेकर लाठी डंडों और लोहे की रॉड से बेरहमी से मारा पीटा और अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया, जो कि इस वीडियो में साफ दिख रहा था। मामला खत्म नहीं हो पाया था कि कल ही एक दिल दहला देने वाली घटना फिर से देखने को मिली, जिसमें कई दबंगों द्वारा मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। यह मामला शहर कोतवाली गल्ला मंडी का है, जहां पर बेखौफ दबंगों ने भरी बाजार में पूरी फिल्मी स्टाइल में मारपीट की घटना को अंजाम दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे वो दबंग सरेआम दौड़ा दौड़ा के उस असहाय युवक को मार रहे, जिन्हें पुलिस और न्यायालय का कोई डर नहीं दिख रहा है। सोचने वाली बात यह है कि इन दबंगों को इतनी हिम्मत आती कहां से और इन्हें बढ़ावा कौन दे रहा है? क्या इन दबंगों के ऊपर कोई राजनीतिक हाथ है जिसके चलते ये ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? पुलिस की सुस्ती आम लोगों पर भारी पड़ रही है। सोशल मीडिया में कई वायरल वीडियो ने हड़कंप मचा दिया। सोशल मीडिया में हो रहे वायरल वीडियो से यह साबित होता है पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अभी सो रहा है। कई वायरल वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि कैसे उस दबंगों ने अभद्रता के साथ उन लोगों को मारा पीटा। अभी एक ताजा मामला था जहाँ पे उसने एक पत्रकार को किस तरह बेरहमी से मारा पीटा और पुलिस प्रशासन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, लेकिन वो मामला खत्म ही नहीं हो पाया। कल रात एक रायबरेली कोतवाली के ताजा मामला सामने आया है, जहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मौन है। रायबरेली के कोतवाली के अंतर्गत गल्ला मंडी के पास का, जहाँ पर कुछ युवकों ने एक युवक को बेरहमी से दौड़ा दौड़ा कर मारा पीटा, लेकिन वहाँ पे न 100 नंबर का कोई जोर दिखा, ना ही कोई पुलिस प्रशासन ने कोई आदमी दिखा। इससे यह माना जाता है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सो चुका है। अब देखना यह है कि इन दबंगों पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं, और सोचने वाली बात यह है कि क्या इनके ऊपर कोई राजनीतिक हाथ है? क्यों ऐसे अत्याचार, ऐसे दबंग पल रहे हैं कि उनके ऊपर कोई हाथ रखने वाला होगा? नहीं तो उनके अंदर इतना साहस कैसे आया? टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अक्षय मिश्रा की रिपोर्ट, रायबरेली। सियाना बुलंदशहर में साप्ताहिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों को अनेकों प्रकार के खेल खेलने का भी मौका मिला। वहीं स्कूल में कई प्रकार की एक्टिविटी की गई, जैसे कराटे, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल आदि। शिक्षकों का कहना है कि बच्चों के जीवन में खेल का बहुत बड़ा महत्व है। प्रत्येक बच्चे को किसी न किसी खेल में रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, बुलंदशहर। बुलंदशहर के पूर्व सांसद घर में मृतक मिले जहर से मौत का अंदेशा। खुर्जा क्षेत्र के अधिकारी गोपाल सिंह ने बताया कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। वहीं परिवार के चार लोगों ने उस घर के कमरे का दरवाजा खोला, जहां कमलेश वाल्मीकि का शव मिला। वहीं शव को कब्जे में लिया गया और पुलिस को संदेह है कि यह जहर से जुड़ा मामला है। मौत के वास्तविक कारणों का पता अभी तक नहीं लगा है, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। 2009 से 2014 तक सांसद रहे कमलेश वाल्मीकि की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। चारपाई पर पूर्व सांसद कमलेश वाल्मीकि का शव पड़ा हुआ था, साथ ही चेहरे पर चोट के निशान भी मिले। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, बुलंदशहर। जनपद मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन पर कार्टून कैरेक्टर मोटू पतलू ने दिया सफाई का संदेश। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर मंगलवार की सुबह सफाई जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं रेलवे ने बच्चों के पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर मोटू पतलू के माध्यम से यात्रियों को स्टेशन पर सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए जागरूक किया। कार्टून कैरेक्टर मोटू पतलू ने यात्रियों को समझाया कि स्टेशन पर कचरा डस्टबिन में डाले, जिससे स्टेशन साफ रहे। वहीं इन कार्टून कैरेक्टरों ने इस मौके पर कूड़ा कूड़ेदान में डालने पर कुछ यात्रियों को टॉफी बांटी। स्टेशन पर छोटे बच्चे भी कार्टून चरित्रों की गतिविधियां देखकर खुश हुए। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट, मुरादाबाद।